वापस आई, उसमें उनकी बहुत बड़ी भूमिका थी। एक तरह से उन्होंने इस बात को इनिशिएट किया, ठीक है, उसमें फिर बाद में और लोग हैं, लेकिन जो आज मैं उनको याद करना चाहूँगा, मेरा उनसे व्यक्तिगत लंबे समय तक काम करने का उनके साथ अवसर मिला मुझे। आज धारा 370 हट गई, देश में खुशी की लहर है, लेकिन मैं उन दिनों जम्मू में संपादक हुआ करता था और जम्मू में एक स्टेटहुड का मूवमेंट मैं लीड भी करता था, तो उस दरमियान अक्सर इनसे मिलते थे हम, क्योंकि इनकी ससुराल जम्मू थी, इनका जम्मू से कनेक्शन था। तो एक तरफ तो वो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के बहुत सहमत होते थे कि धारा 370 हटना चाहिए, लेकिन हमें समर्थन करते हुए भी वो हिदायत देते थे कि देखो, जम्मू का अलग प्रदेश बना करके कश्मीर को छोड़ देना देश हित में नहीं होगा। आर्थिक मदद भी उस आंदोलन को देने का वो काम करते थे। और जो दूसरा परिप्रेक्ष्य में मैं आज उनको याद करना चाहूँगा, अपनी श्रद्धांजलि देना चाहूँगा सुमेरा जी, वो ये है कि हजारों साल नरगिस जब अपनी बेनूरी पे रोती है, तब जाकर होता है कोई चमन में दीदावार पैदा। तो वो दीदावार थे, वो देश के लिए ज्योति थे। आज हम हरीश सालवे जी को याद करते हैं कि उन्होंने जा करके यूनाइटेड नेशंस में किस तरह से पाकिस्तान के खिलाफ कुलभूषण जाधव की अदालत में हमें विजय दिलाई। यही काम जेटली जी ने किया था, आईसीजे में ये काम जेटली जी ने किया था, मनी लॉन्ड्रिंग और ड्रग पे जो यूनाइटेड नेशन का कानून बना, उसमें भारत का नेतृत्व अरुण जेटली जी ने। थिंक टैंक थे बीजेपी के लिए, बीजेपी के जो बुद्धिजीवी वर्ग है और जो सोच और विचार सामने रखने वाला वर्ग है, उसमें से एक अहम व्यक्ति थे अरुण जेटली। हमारे साथ ए के मिश्रा जी भी मौजूद हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। ए के मिश्रा जी, अरुण जेटली के व्यक्तित्व के हर पहलू के बारे में बात हो रही है, लेकिन सिर्फ नेता ही नहीं, सिर्फ वकील ही नहीं, वो क्रिकेट के प्रशासक भी अच्छे थे, वो पार्टी में भी संगठन की उन्हें जो भी जिम्मेदारी दी गई उसे भी उन्होंने बखूबी निभाया। हम सुन रहे हैं आज लगातार बीजेपी कार्यकर्ताओं को, बीजेपी नेताओं को, कि वो हर कार्यकर्ताओं को पर्सनली जानते थे, वो लोगों की खूबियाँ जानते थे कि उन्हें कहाँ किस तरह से इस्तेमाल करना है, उनकी क्या ताकत है। देखिए, बात जब एक होती है ना कि एक्सेलेंस एट ईच एंड एवरी स्टेप, एक्सेलेंस इन ईच एंड एवरी फील्ड, जिसको हर फन मौला बोलते हैं, ये देखिए, ये ऐसा व्यक्तित्व का निर्माण एक बहुत ही गहन कॉन्टिन्यूस ट्रेनिंग और डेवलपमेंट जो होता है, क्योंकि विद्यार्थी जीवन से ही वो हमेशा पॉलिटिक्स से जुड़े रहे हैं और हर उतार चढ़ाव को उन्होंने देखा था। देखिए, उनके अंदर कनेक्टिविटी, खुद भी वो कनेक्ट रहते थे, जो जूनियर थे, जो इमर्जिंग लीडर थे, जो नए नए लोग थे, हर डिपार्टमेंट अपनी फैमिली से, अपने सीनियर से, और सबसे खास बात ये थी कि वो जिस काम में रहते थे, आपने बोला जैसे बहुत अच्छे क्रिकेटर। और हमारे साथ इस बीच अरुण जेटली के एक बहुत करीबी दोस्त सुनील सेठी जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। सुनील सेठी जी, आज हम अभी यहाँ जो हमारे साथ स्टूडियो में मेहमान मौजूद है, उनसे भी बात कर रहे हैं, बीजेपी के भी तमाम नेताओं से बात कर रहे हैं, और हर कोई अपने अपने तरीके से, अपने अपने अंदाज से याद कर रहा है उनका, जैसा भी रिश्ता और संपर्क था।